हिंदी में तो नहीं बोलने की जरूरत होगी, नहीं एक्चुअली बोलना पड़ेगा ना, पूछिए। Who according to me is the best dressed man in India? Saif Ali Khan, Anil Kapoor. Yeah, those are the first two guys. Saif, I've always loved Saif's style. For a man who can wear a kurta and a bandana and pull it off, I think he's exceptionally cool. And the word cool is used very, very easily with everybody. He's somebody who's generation by generation. Every year you see he's just remained as cool as always. So I would say Saif. जो कपड़े फेटा से पहन के आ जाए करो, दैट्स माय जेन्युइन टेक ऑन स्टाइल। आई एम द एंटी थीसिस ऑफ माय सिस्टर। आई एम नॉट समबडी हुज, आई वुड से आई एम इनटू फैशन, आई अंडरस्टैंड इट, आई एम अवेयर ऑफ इट, बट दैट्स मोर फ्रॉम द फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर मी माय पर्सनल वेयर इज वेरी रिलैक्स, वेरी कैजुअल, वेरी चिल। आई एम श्योर एवरीबडी इज इन सूट्स एंड आई एम इन अ लेदर जैकेट टुडे, सो दैट गिव्स यू अ फेयर पर्सपेक्टिव। फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन अबाउट कम्फर्ट ओवर एनीथिंग एल्स। इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल यू कांट बी स्टाइलिश। But yeah, I keep it in mind that films are concerned, I'm more aware of that. नहीं वो देखिए, हमारी ज़िंदगी के बारे में आप सबको हमसे कई ज़्यादा पता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब बता दें कि मैं कौन सी पिक्चरें कर रहा हूँ, बिकॉज हाल ही में मैं पिछले दो महीने से बाहर नहीं निकला हूँ, तो मेरी खबरें बाहर निकली। अब मैं शूटिंग के लिए चले जाऊँगा दो तीन महीने के लिए, हाफ गर्लफ्रेंड के लिए, तो होपफुली शांति हो जाएगी। बट नहीं, ये स्पेकुलेशन है। I'm not aware of it. I've not been offered any film with Ranveer. But we've collaborated in the past. It's been amazing. And I'm sure if something good comes up, we will collaborate in the future. जी हाँ, पर आप मेरी ज़िंदगी के बारे में इतना जानते हो कि मैं क्या कहूँ। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम कुछ बोले या नहीं बोले, लिखा तो फिर भी जाने वाला है, चर्चा फिर भी होने वाली है। हम आपसे हर रोज़ मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं गुस्सा होना, खफा होना फ़ायदा है नहीं। You kind of just accept this is part and parcel of the game. I would appreciate if this stopped because there's a lot of speculation. It's not healthy for my family. मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, चार साल के बाद थोड़ा सा ढीट हो जाता है इंसान, समझ जाता है। पर मेरी नानी है, मेरी दादी है, वो सवाल पूछती है, तो उस वजह से कभी कभी बुरा लगता है। अब आप ये सोचिए ना कि आपकी बिल्डिंग के बाहर अगर मैं आपके बारे में कुछ लिख दूँ, आप जब घर जाएंगी आप जानती होंगी सही है या नहीं है, पर आपके परिवार वाले सवाल पूछेंगे और वह बिल्डिंग के नोटिस बोर्ड से निकाल नहीं सकते, बिकॉज वो लिख दिया गया और वो अभी परमानेंटली टैटू की तरह चिपका रहेगा। तो आप पे क्या बीतेगी? आप कभी, मैं चाहूँगा वो लोग जो लिखते हैं वो ये चीज़ों का तो ध्यान में रखना शुरू करें। सी बिकॉज वी गिव यू ऑल व्हाट वी कैन, यू गाइज हेल्प अस हाउ यू कैन, बट समवेयर सर्टेन टाइम्स इट फील्स देयर इट्स नॉट वर्थ गेटिंग इनटू दीस काइंड ऑफ स्पेसेस। पर्सनल लाइफ्स आर वेरी प्राइवेट and I hope it gets better in the future, but there's no point complaining here. वो ये चलती है, मेरे बोलने से, मेरे रिक्वेस्ट करने से चेंज नहीं होने वाला। काश हो जाता, बड़ी पहले से लोग दरख्वास्त करते, बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल अनफॉर्चुनेटली। I always ask them why am I on the list. I've been on the list before I became an actor, so I find that quite cool. They put me on the list the year before I became an actor, and I've been on the list every year. So I must be doing something right that I'm not aware of, but it feels to be a part of GQ in any way is nice. I did a cover for them. It felt, it's something that you have on your bucket list as an actor, as a performer, as an artist. It personifies cool where men are concerned especially. So it feels really nice. See you guys.